हे गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइबेलियम मेडिसिंस के बारे में। बेसिकली ये एक एंटी हिस्टामाइन एंड एंटी माइग्रेन मेडिसिंस होता है। तो किस कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है, यानी माइग्रेन की किस कंडीशन में, और भी क्या इसके फ़ायदे होते हैं, तो इस वीडियो में हम ये सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। साइबेलियम मेडिसिन क्या है? जानसिन फार्मा की तरफ से आने वाली एक दवाई है, जो कि एक एथिकल मेडिसिन है। अब जानसिन फार्मा क्या है, एक टॉप ब्रांड बता देता हूँ इसका, जो आता है अल्ट्रासेट मेडिसिन। तो उस कंपनी का ये देखने को मिल जाता है, जो एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन एंड एंटी माइग्रेन मेडिसिन होता है। बेसिकली इसका यूज़ माइग्रेन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके कई प्रकार के और भी फ़ायदे होते हैं। आपको इसमें इंग्रेडिएंट देखने को मिल जाता है, आपको फ्लोनाजायरिन। फ्लोनाजायरिन क्या है, 10 mg में, आपको 5 mg में, दोनों प्रकार के इंग्रेडिएंट्स में देखने को मिल जाता है। सिबेलियम आपको 10 mg टैबलेट है, जिसका उपयोग माइग्रेन की रोकथाम के लिए किया जाता है, लेकिन ये एक्यूट अटैक को नहीं रोकता। जैसे कि किसी अचानक से माइग्रेन हो गया है, उस कंडीशन में इसका यूज़ नहीं किया गया है, और ये उसको तब रोकेगी, जैसे कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा माइग्रेन बढ़ जाता है, तो जिनकी कंटिन्यूसली दवाई चलती है उनके लिए ये दवाई जो होती है यूज़फुल होती है। काम कैसे करता है? बेसिकली ये आपके माइंड को रिलैक्स करता है। आप हम एक बात कर रहे हैं, जैसे कि माइग्रेन जब आता है तो क्यों आता है, जैसे कि जब माइंड की जो ब्रेन की जो ब्लड सेल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, जब उनमें चौड़ापन आ जाता है, जब वो किसी वजह से खुलना शुरू हो जाता है, तो माइंड का बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये दवाई क्या करती है, उसको सिकुड़ देती है, यानी उसको कम कर देती है, जिससे माइग्रेन बंद हो जाता है। अब माइग्रेन क्या होता है, मैंने पहले भी बताया है, माइग्रेन क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया पे दर्द होता है, जैसे कि कभी इस तरफ हो जाएगा, आधे सर में दर्द भी बोलते हैं इसको, कभी इस तरफ हो जाएगा, तो एक जगह पर बहुत ज़्यादा चीज़ होना शुरू हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा कि खतरनाक हो जाता है। इसके साथ साथ अब उल्टी मितली जैसी कंडीशनें भी आ जाती है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, और जैसे आंखों में धुंधलापन जैसे ऐसी कंडीशनें आपको देखने को मिल जाती है। अभी मैंने जस्ट वीडियो बनाया है माइग्रेन के ऊपर, तो अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, जिसके बारे में डिटेल्स बताए, उसके कारण लक्षण कैसे आप उसको माइग्रेन को समझ सकते हो। अब इसकी टैबलेट्स के बारे में बात करें, सेविलियम की मेडिसिन के यूजेस के बारे में बात करें, तो माइग्रेन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये उस माइग्रेन के लिए यूज़ किया जाता है जिनको बहुत ज़्यादा आता है और कंटिन्यूसली अपने डेली रूटीन में रखना है। ऐसा नहीं कि यार उनको लग रहा है कि माइग्रेन शुरू होने लग गया है या शुरू हो गया है, उस समय हम दवाई खाते हैं तो तुरंत आराम हो जाता है, ऐसा नहीं है। जो लोगों को डेली माइग्रेन की समस्या है, जो मतलब माइग्रेन कन्फर्म हो चुका है, माइग्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उनको डेली रूटीन में ये दवाई दी जाती है, जिससे क्या होता है कि माइग्रेन को रोकने में मदद करते हैं, यानी आपको एक्यूट अटैक के लिए ये यूज़फुल नहीं होता है, डेली कंटिन्यू रखनी पड़ती है। जैसे कहते हैं ना यार कि आदत पड़ गई है दवाइयों की, बस वही हाल है इस दवाई को, और डेली यूज़ के लिए किया जाता है। साथ ही साथ ही नॉर्मली अगर किसी का आधे सर में दर्द हो रहा है, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। वर्टिगो की कंडीशन में जैसे उल्टी मितली का मन होना, उसमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि एंटी हिस्टामाइन भी है जो कि एक इस तरीके के कंडीशन को रोकने में मदद करता है, जो वर्टिगो की कंडीशन हो जाती है। साथ ही साथ ये ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है ब्रेन में, ताकि किसी तरीके की कोई क्लॉटिंग वगैरह देखने को ना मिले। एंड एंटी एपिलेप्टिक्स भी होती है, यानी मिर्गी के दौरे में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब मिर्गी का दौरा भी सारे आपके ब्रेन से ही संबंधित होता है, जब किसी वजह से नसों में अच्छे से काम नहीं हो पाता या किसी वजह से ब्लड का क्लॉटिंग बन जाता है, तो उसमें आप इसका यूज़ कर पाएंगे। साइबेलियम मेडिसिन आपको बेसिकली एक शेड्यूल एच के अंतर्गत होती है, और इसकी डोजेज होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन कॉमनली डोज होती है इसकी 10 mg डेली एक ही टाइम पे लेनी होती है, लेकिन बेस्ट टाइम जो होता है रात को सोने से पहले इसको लिया जाता है, और डेली एक ही टाइम पे लेना चाहिए, ताकि क्या होता है बॉडी का जो संतुलन है ये तो वो बना रहता है, मतलब डेली दवाई का जो रूटीन होता है वो बना रहता है। 60 मिनट में इसका असर जो होता है शुरू हो जाता है, लगभग 3 हफ्ते तक असर बॉडी में बना ही रहता है। वैसे इसको मैंने बताया था, कई हमें एक कमेंट आया था कि सर साइबेलियम जो मेडिसिन आती है इसका यूज़ कब के माइग्रेन में किया जाता है, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसको डेली रूटीन में लिया जाता है, यानी कंटिन्यूसली आदत पड़ जाती है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो स्किन में रैसेस होना, पेट में बेचैनी होना, मितली होना, गैस्ट्रिक पेन वगैरह होना, या एसिडिटी की प्रॉब्लम होना, और साथ ही साथ ये वेट को भी गेन करने में हेल्पफुल होता है, या कहीं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होता है, मसल्स पेन होता है, नींद नहीं आती है,
और कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लेने से नींद की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है और सुस्ती वगैरह भी थोड़ा बहुत आती है, भूख को बढ़ावा देता है और डिप्रेशन की शिकायत भी इस दवाई से हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी अगर आपको ऐसी समस्या हो तो हमेशा आयुर्वेदिक दवाई का सहारा लेना चाहिए। ये दवाई क्या होती है, टाइम टू टाइम आपको चेंज करनी पड़ती है, नहीं तो आपकी बॉडी को हैबिचुअल हो जाएगी और आपके चलकर आपको ये नुकसान कर जाती है। इसका जो इफेक्ट जैसा मैंने बताया 60 मिनट में शुरू हो जाता है और 3 वीक तक बराबर बना रहता है। प्रिकॉशंस के बारे में बात करें तो डेली एक ही टाइम पर लेनी चाहिए जब तक आपको डॉक्टर रिकमेंड करें, और इसके साथ किसी भी प्रकार का अल्कोहल का सेवन ना करें और सडनली अटैक को नहीं रोकता। जैसे कि आपको अटैक पड़ गया है कहीं तो माइग्रेन शुरू हो गया है तो उस कंडीशन में रोका नहीं जा सकता, उसमें आप दूसरी मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो। और बच्चों के साथ इसको सेफ्टी के साथ लेना चाहिए। निषेध के बारे में बात करें जिसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है ब्रेस्ट फीडिंग मदर में प्रेगनेंसी के दौरान, और दवाई के साथ अल्कोहल जब अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हो तो दवाई को यूज़ ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए। तो गाइज ये था कुछ साई विलियम मेडिसिन के बारे में या कहीं तो फ्लोना राइजिन मेडिसिन के बारे में, जिसके बारे में डिटेल्स मैंने आपको समझा दिया है किस तरह की कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें वीडियो को, और कोई डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।